द्वितीय केदार यानी कि भगवान मदमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र में। माना जाता है कि अगर आप मदमेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, अगर इस यात्रा पे आते हैं, तो आपकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब आप शिवलोक यानी कि वृद्ध मदमेश्वर, जिसे बूढ़ा मदमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप वहाँ की यात्रा करते हैं तभी आपको मदमेश्वर यात्रा का फल मिलता है। तो इसी सफ़र में हम आगे निकल चुके हैं। मदमेश्वर यानि कि मदमहेश्वर, जहाँ भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है, तो वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है जहाँ हम पहुँचते हैं द्वितीय मदमेश्वर के वृद्ध मदमेश्वर धाम यानि कि शिवलोक में। तो रास्ता बड़ा सुगम रास्ता है और धीरे धीरे चलने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हमें पार करना होगा और अब हम पहुँचेंगे शिवलोक यानी कि वृद्ध मदमेश्वर यानी कि बूढ़ा मदमेश्वर। जगह जगह में छोटे छोटे मंदिर भी आपको रास्ते में दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। धीरे धीरे जब हम आगे जा रहे हैं तो मौसम में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा था, चारों तरफ कोहरा लगा था, लेकिन एक आशा थी कि ये कोहरा छट जाए और हमें वृद्ध मदमेश्वर यानी कि शिवलोक के अलौकिक दर्शन देखने को मिले। जगह जगह देख सकते हैं कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए भी लोग आए हुए हैं और क्योंकि ये एक बुग्याल वाला एरिया है तो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ गाय आपको ज़्यादातर मात्रा में दिखाई देंगे। और धीरे धीरे जैसे ही हम आगे निकलते जा रहे थे तो मौसम धीरे धीरे खुलने लग गया था, मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था। रास्ते में छोटे छोटे फूल और ठंडी ताजगी हवा और दूर बड़े बड़े बुग्याल, मन को मोह लेने वाली वो हवा, आहा क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम आगे निकल रहे थे रास्ते में आपको इस प्रकार के कुत्ते भी दिखाई देंगे क्योंकि ये भोटिया डॉग हैं जिन्हें भोटिया कुत्ता हमारे पहाड़ी भाषा में बोला जाता है और ज़्यादातर जो ये भेड़ बकरियाँ पालते हैं ये उनके रखवाले होते हैं तो ये लोग इनको पालते हैं। तो देख सकते हैं कि इनके साथ ये कुत्ते भी इनके साथ साथ इनकी रक्षा करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो मन बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि मौसम खुलने लग गया था, क्योंकि जैसे ही हम रास्ते से निकल रहे थे तो कोहरा काफ़ी लगा हुआ था तो मन में एक ही जिज्ञासा थी कि कहीं ऊपर जाकर हमें मौसम अच्छा ना मिले तो हम वृद्ध मदमेश्वर के जो अलौकिक दर्शन हैं वो कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही, मौसम धीरे धीरे साफ होता गया और वहाँ के जो दिव्य और अलौकिक दर्शन हैं वो देखने को मिले। यहाँ पर जो मुख्य एक केंद्र बिंदु है वो है जब मौसम साफ होता है तो भगवान वृद्ध मदमेश्वर के जो मंदिर है उसका प्रतिबिंब सरोवर में दिखाई देता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ से हिमालय के दर्शन बड़े स्पष्ट रूप से होते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मानो स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। देख सकते हैं कि बादलों का प्रतिबिंब
इस सरोवर में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था और साथ में इतना सुकून लग रहा था कि मानो जन्नत दिखाई देने लगी हो। वृद्ध मधमेश्वर बूढ़ा केदार के दर्शन करने के पश्चात मन को बड़ा सुकून और शांति की अनुभूति होने लगी। पता ही नहीं चला रास्ता कब कट गया और हम भगवान के शिवलोक में पहुंच गए। दर्शन करने पे ही मन बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया, मानो कि साक्षात प्रभु ने ही दर्शन दे दिए हों। ऐसे अलौकिक और दिव्य दर्शन आपको उत्तराखंड के देवभूमि में ही देखने को मिल सकते हैं। समय काफ़ी हो गया था, धीरे धीरे शाम ढलने वाली थी और अब हमें घर की ओर जाना था, तो इसीलिए अब हमने वृद्ध मधमेश्वर यानी कि बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन करने के बाद अब हम घर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।